तो चलो यार आओ आज इसकी सॉर्टिंग निकालें। सॉर्टिंग, अरे सॉर्टिंग ना अभी क्या हो गया ना, आप एडवांस की बात करते हैं 2023 में, तो क्यों ना एडवांस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। अभी देखो इंडिया का सबसे सस्ता थर्मल कैमरा, हाउ देखते हैं क्या ये काम कर पाता है। हेलो, हाँ सर जी, हाँ रामदास सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बताइए। अपने यान को उतारना अब हम चालू करते हैं। तो देखो हमारा यान लैंड कर रहा है, अब देखते हैं कि लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलो मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, बताना लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओ लैंड कर गया, क्या बात है। ये देखिए एज डुअल डिस्प्ले यहाँ पर काम कर रहा है सेम टाइम, तो आप नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए सेम टाइम एज अ डुअल डिस्प्ले यहाँ पर काम कर रहा है। ये देखिए जो डिस्प्ले में दिखाई देगा वही इसमें भी दिखाई देगा। एक मॉडल से इसमें शॉटिंग है और एक मॉडल ये है, इसमें फुल शॉटिंग है और इसमें माइनर शॉटिंग है। हम दोनों शॉटिंग को इसमें देखेंगे कि क्या ये थर्मल कैमरा इसको निकाल पाता है। तो यार चंद्रयान 3 तो उतर गया और हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है। आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 हमारा मून पर लैंड कर गया है और एक चंद्रयान 4 हमारे हाथ में है और इस समय हमारे पास आ गया। आओ इसको लैंड करवाएं। क्या आप लैंड करवाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि यह कमाल का इंडिया का अब तक का सबसे सस्ता थर्मल कैमरा मेरे हाथ में है, जो कि भेजा है रामराज टूल ने मेरे पास। और थैंक यू कहना चाहूँगा मैं टूल वालों को और कि आज मुझे इनका रिव्यू करने को मिला है और आप लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाने का है। ये वीडियो एक नॉलेज पर्पस वीडियो है, टूल लेना ना लेना वो आप पर है, बट आपको अच्छा लगता है तो उस पर बिल्कुल जाइएगा और आपको नहीं अच्छा लगता है तो नॉलेज तो ले ही लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह का बॉक्स मिलेगा जो कि इस कंपनी है सनशाइन, वेल नोन कंपनी है। TV03 है इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पर अगर हाई डेफिनेशन थर्मल इमेज, वन क्लिक क्विक सर्च फंक्शन, मतलब एक क्लिक पर हम किसी भी डिटेक्टिंग जो सोर्स है जहाँ पर हमें शॉटिंग मिलती है वहाँ पर हम उसको सर्च कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट स्टोरेज, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड मल्टी प्लेटफॉर्म क्लाइंट, मतलब आप चाहें तो आप इसको बेसिकली अपने मोबाइल में भी चला सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पैकिंग काफ़ी शानदार है। 3 यहाँ पर आपको बार कोड देखेंगे, एक वेबसाइट का, एक चाइनीज़ में और एक यूट्यूब का, इनका बेसिकली जो भी है। तो इनके जो यूट्यूब प्रोडक्ट है आप चाहें तो इनका वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं और वेबसाइट में आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट यार मैंने है ना पूरा बता दिया है कि बेसिकली इसको काम कैसे करना है। अब इसके साथ क्या क्या आता है, सो नॉर्मली देखो एक टाइप सी केबल आएगी जो हमने लगा ली है और एक कुछ इस तरह का डिवाइस आएगा यहाँ पर, तो बहुत ही प्यारा और कमाल का डिवाइस है। वो चाहते तो केवल इतना दे सकते थे और इसको दुनिया का वर्ल्ड का सबसे छोटा कैमरा बता सकते थे, बट अब वो वर्ल्ड का सबसे छोटा कैमरा तो यार जूम वालों ने ले लिया है फॉरवर्ड, सो वो छोड़ दो अब। पर इनका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लगा मुझे और इसको आप चाहें तो बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और अपने यान को उतारना अब हम चालू करते हैं। तो देखो हमारा यान लैंड कर रहा है, अब देखते हैं कि लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलो मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, बताना लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओ लैंड कर गया, क्या बात है। चलो इस वीडियो को पूरा देखो यार, मजे उठाओ, लाइफ इज ऑल अबाउट फन एंड बस आप अपने काम में फन ढूंढो तो बस काम आपका और लाइफ आपकी। आपको यहाँ पर सनशाइन टूल ऐप लिखना है, हालांकि मैं इसके आपको सेटअप दोनों एंड्रॉयड के और उसे आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। देन यू मे हैव टू क्लिक फर्स्ट ऑन फर्स्ट वेरी फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ, दिस इज डाउनलोड एप्लीकेशन वेबसाइट ऑफ सनशाइन। ठीक है, आपने उसको क्लिक करना है एंड यू मे नाउ एंटर इन द सनशाइन डाउनलोड सेंटर। एंड अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 2 रो है यहाँ पर, एक विंडो है, एक एंड्रॉयड है और एक iOS है, 3 रो है एक्चुअल में। तो सनशाइन के जो भी प्रोडक्ट अगर विंडो को सपोर्ट करते हैं तो विंडो का सेटअप है, iOS को सपोर्ट करते हैं तो iOS का, एंड्रॉयड का तो एंड्रॉयड को। तो आप देखें तो अभी तक तो iOS का कोई भी सेटअप ही नहीं है इसका, सो नो डाउट आपको ये iOS में नहीं चलेगा, ये सिर्फ एंड्रॉयड और विंडो में चलेगा। तो आपको सबसे पहले इसका मॉडल नंबर ढूंढना है, जो कि इसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो कि इसका मॉडल नंबर है TV03S, ऐसा लिखा होना चाहिए यहाँ पर। तो नोटिस करो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए TV03S आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज़ अ इंफ्रारेड रैपिड थर्मल इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, सो आप यहाँ से दोनों चीज़ को सबसे पहले यहाँ से क्लिक करेंगे, सो
आपको यहाँ पर इसका ड्राइवर मिल जाएगा, नॉर्मल सेटअप है जिसको चलाना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका APK मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही मैं चला के दिखाता हूँ। जैसे आपने इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास में इस तरह का कुछ सेटअप आएगा। आपके पास में सबसे पहले एक WinRAR की फाइल आएगी, आप उसको खोलेंगे तो 7GB या किसी भी सॉफ्टवेयर से। आपने क्या करना है, फर्स्ट यू में क्लिक ऑन द ड्राइवर फोल्डर एंड सेलेक्ट योर बिट, और जो भी आपके बिट सपोर्टिव, आपका जो भी विंडो को सपोर्ट करता है, सो ऑब्वियस है अभी 64 ही बिट ही सपोर्ट करता है सबको। सो हमने इसको क्लिक करना है एंड ड्राइवर को रन करना है, एंड यहाँ पर राइट ही होना चाहिए। अगर ये राइट होता है डेट मीन योर ड्राइवर इज़ ओके एंड ड्राइवर इज सक्सेसफुली हैव योर ड्राइवर हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल। दैन आपने क्या करना है, इस सेटअप को क्लिक करना है एंड इस सेटअप को इंस्टॉल करना है, राइट। सो यू मे सेलेक्ट इंग्लिश, नाउ यू मे गो टू, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड टू, बिकॉज दिस इज दिस गिविंग मी मैसेज दैट। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, एंड अब मैं इस सेटअप को फिर से रन कर सकता हूँ। अब मैं इंग्लिश में सेलेक्ट कर चुका हूँ, और नाउ आई क्लिकिंग ऑन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड दिस सॉफ्टवेयर हैज़ बीन, दिस सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू इंस्टॉल विथ सी ड्राइव, यू कैन सी, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्टरी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर थ्रू दिस द ब्राउजर, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड नाउ दिस इज आस्किंग फॉर टू क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, एंड now this is asking for the create a desktop shortcut or a startup window, so this is optional, you may want to create, so click on, otherwise don't click it। देख सकते हैं PCB client यहाँ पर, और बस मुझे launch पर click करना है, बाकी मैं नहीं करूँगा, so मैं launch पर हटा दूँगा। let me show you the setup icon। तो यहाँ पर जो setup icon है आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको TV करके ही मिलेगा, obvious है यहाँ पर। ओके, हो सकता है मे बी मैंने वो उसमें क्लिक नहीं किया हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर TV लिख लूँगा, ये देखो TV 0S 3S। सो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा इसको, और मैं आपको इसका सेटअप आइकन, अगर आप भी गलती से क्लिक नहीं करते तो आपको क्या करना है, यहाँ पर TV लिखकर आप चाहें तो इसकी ओपन फाइल लोकेशन पर जा सकते हैं इस तरीके से, और इसको एक सेंड टू डेस्कटॉप कर सकते हैं, राइट। ये कर दिया, ठीक है। अभी कैसा है ये देखिए, ये आ गया, ये एप्लीकेशन आ गई, ये सनसाइन की आपकी एप्लीकेशन है। नाउ यू हैव टू रन दिस एप्लीकेशन ओवर योर विंडो, सो अभी आप यहाँ पर इसको रन कर सकते हैं। अभी इस एप्लीकेशन की बात करेंगे, अब आओ इसको एंड्रॉयड में इंस्टॉल करते हैं। आइए अब इसको एंड्रॉयड में इंस्टॉल करते हैं, आइए इधर। सो देखिए मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे वही APK डाउनलोड जो मैंने की है वो डाउनलोड से मुझे बेसिकली, तो मुझे क्या करना है, जो APK मैंने डाउनलोड की है उस APK को मुझे यहाँ से अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर लेना है। ये देखो ऑलरेडी मैं इंस्टॉल, फिर से मैं आपके सामने इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद में अब मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं आपको इसका आइकन भी दिखा देता हूँ। ये देखो इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको यहाँ पर। सो अब इसके बाद बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। अगर आप चाइनीज़ हैं, अगर आप चाइना से हैं और आपको ये पढ़ने में आता है तो इसको सेलेक्ट करना, अदरवाइज़ इसको, और ये मेरे ख्याल से स्पेनिश होगी आई थिंक, या रसिया है, जो भी हो सकती है। सो मैं इंग्लिश में सेलेक्ट करूँगा और ये इस तरह से खुल जाएगा, बट आपको ये चालू नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर दिखाइए, देखिए इसका बटन अभी यहाँ पर चालू है, बट ये यहाँ पर ये चालू नहीं है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला कनेक्शन एरर आ रहा है। तो ये आपको कनेक्शन एरर इसलिए आएगा क्योंकि सबसे पहले इसका वाईफाई आप जो इनबिल्ड है वो आपको इसको वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। नोटिस करो कैसे, तो आपको यहाँ पर दिखाइए, आपको वाईफाई में क्लिक करना होगा, आपको वाईफाई में क्लिक करना होगा, राइट। और वाईफाई में क्लिक करने के बाद में आपको इसका मॉडल नंबर यहाँ पर पढ़ना होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मॉडल नंबर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है TV 03S, और आपको उसको क्लिक करना होगा। इनकेस अगर आप इसको पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए इसका पासवर्ड फिर से देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑटो रिकनेक्ट यहाँ पर है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इनकेस अगर इसको आप ये फॉरगेट कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अब आप जब फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करेंगे
तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड मांगेगा। अब आपको पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये पासवर्ड है इसका, सब लोग देख ले हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर नोटिस करो, तो ये आपका इसका पासवर्ड है। तो बस आपको इसको कनेक्ट करना है वन टाइम। अब पासवर्ड कनेक्ट होने के बाद में अब आपको फिर से सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, ठीक है। अभी आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर नॉर्मली तरीके देखिए इस तरह का कनेक्ट आएगा, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आएगी, सो कनेक्ट ओनली दिस टाइम या कनेक्ट ऑलवेज। तो मैं ऑलवेज कनेक्ट पर क्लिक करूँगा। अब वापस सॉफ्टवेयर में जाऊँगा तो ये मेरा यहाँ से, ये देखिए, तो यहाँ से मेरा ये चालू हो चुका है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये सेम टाइम, सबसे बढ़िया यहाँ दिखाइए साइड, ये देखिए ये सेम टाइम एज डुअल डिस्प्ले यहाँ पर काम करेगा। ये देखिए एज डुअल डिस्प्ले यहाँ पर काम कर रहा है सेम टाइम, तो आप नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए सेम टाइम एज अ डुअल डिस्प्ले यहाँ पे काम कर रहा है। ये देखिए जो डिस्प्ले में दिखाई देगा वही इसमें भी दिखाई देगा। तो ये एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। आप देख सकते हैं अभी, देखो ये मेरे हाथ का, ये मेरे हाथ का दिख रहे ना, उसकी इंफ्रारेड इमेज है मेरे हाथ की। सो देखो एक्यूरेसी देखो कितना सेम टाइम है ना। तो चलिए आइए इसे एक काबूम करते हैं, और बेसिकली तो चलिए इसे एक काबूम करते हैं बेसिकली। एक मेरे पास दो फ़ोन है आईफोन के, दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल से है इसमें शॉर्टिंग है और एक मॉडल ये है इसमें फुल शॉर्टिंग है और इसमें माइनर शॉर्टिंग है। हम दोनों शॉर्टिंग को इसमें देखेंगे कि क्या ये थर्मल कैमरा इसको निकाल पाता है। तो चलो यार आओ आज इसकी शॉर्टिंग निकालें। शॉर्टिंग ना अभी क्या हो गया ना, आप एडवांस की बात करते हैं 2023 में, तो क्यों ना एडवांस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। अभी देखो इंडिया का सबसे सस्ता थर्मल कैमरा, हाँ देखते हैं क्या ये काम कर पाता है। देखो सबसे पहले फुल शॉटिंग की बात करेंगे, सो मेरे पास मे बी इस सेट में ना फुल शॉटिंग है। अभी कैसा है फुल शॉटिंग इस आईफोन के अंदर, बेसिकली जो होता है बी बैट या VCC लाइन में होता है, क्योंकि आईफोन 7 है तो इसमें VCC तो होगा नहीं, तो इसमें होगा VDD। तो आइए देखते हैं और इसकी बात करते हैं। और आई होप कि आपको इसकी ISO की जानकारी नहीं है, आई होप कि आपको इसका सर्किट का नॉलेज नहीं है, आई होप कि आपको ये नहीं पता कि CPU कैसे काम करना है, CPU कैसे निकालें, कितने हीट में रिवॉल्व करें, या RAM कैसे निकालें, या इसका चार्जिंग IC कैसे काम करता है, USB IC कैसे काम करता है, इसका सर्किट कैसे काम करता है, इसका पावर बूट सीक्वेंस क्या बोलता है, लाइट सेक्शन कहाँ है, कैसे चेक करें, अरे इसमें बेसिकली कोई भी फॉल्ट आता है वाईफाई से रिलेटेड या कुछ भी नैंड प्रोग्रामिंग कैसे करें। आने टाइम में इसमें 11 11 भी अपडेट हो रहा, एक कोर्स में बहुत अच्छा चीज दिया हमारा कोर्स आज, इसमें बेसिक लेवल से, ठीक है ना, सिक्स आईफोन सिक्स सिक्स सीरीज 7 सीरीज और एक्स सीरीज, अब ये तीन पूरा वीडियोस ये कोर्स में है। ये कोर्स भी बहुत कम है, 6000 में 2 साल दे रहा सर हमारा को, ठीक है ना। इसमें कौन किसको ये एंड्रॉइड फोन में डबल डकर तक अच्छा काम होता ना, उसको बहुत अच्छा यूज होता है ये कोर्स। तो यार आप लोगों के लिए मैं इसके लिए बहुत एक अच्छा कोर्स लेके आया हूँ, जिन भाइयों को नहीं पता वो ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस कोर्स में मिल जाएगा बहुत सारे नए नए वीडियो, जिसमें मैं उसको वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और वो है 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, 1000 के बजाय का कंटेन है, और अभी 350 के ऊपर वीडियो उसमें ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और 500 का मेरा टारगेट है, और अभी 11 Pro Max तक मैंने दे दिया, iPhone 6 से 11 Pro Max तक, जिसके अंदर iPhone 6 आपको मिल जाएगा, iPhone 7 मिल जाएगा, 7 Plus मिल जाएगा, iPhone X मिल जाएगा, X के इतने सारे मैंने सोल्यूशंस वहाँ पे दिए हुए हैं। और आप अगर उस कोर्स को लेते हैं सिर्फ मात्र 6000 में, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी टेबल पे काम भी करोगे और सीखोगे भी, और सर्किट लेवल पे, और किसी इंस्टीट्यूट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईफोन की बड़ी बड़ी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो हमारा फीडबैक भी ले सकते हैं, जो हमने स्टूडेंट का हमारे कोर्स के एप्लीकेशन में डाला है, तो फीडबैक जरूर देख लेना। तो आइए अब इसका बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली यहाँ पर जो
सॉर्टिंग का एम्पियर है बेसिकली वो कितना है, देखो तो यहाँ पर मैंने तीन, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर मैंने तीन एम्पियर पे अपना डीसी को सेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर केबल लगा लेता हूँ, मैंने केबल लगा ली है। और अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको शॉर्टिंग की बात करूँ तो देखो इसमें फुल शॉर्टिंग है, ठीक है, ये देखो मतलब पूरा तीन एम्पियर का ये पावर ले रही है। चलो अब हम इसको चेक करेंगे, तो अभी हमने इसको यहाँ रख दिया है और अब हम इसको सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, आप इसको दो अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए डिवाइस को आप पहले अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सनशाइन की ब्रांडिंग है और कुछ इस तरीके से ये रॉकेट बन जाता है। यहाँ पर आप यूएसबी केबल के थ्रू यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, टाइप सी केबल है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं और आपके चंद्रयान 4 से आपका जो रोवर है वो अलग हो जाएगा और वो किसी भी एक्स्ट्रा वो आपके टाइप सी कनेक्शन में लग जाएगा। आप चाहें तो इसको अपने माइक्रोस्कोप के साथ भी इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी है, और इसके साथ एक अडेप्टर भी आता है। आप चाहें जो भी डीलर है आप उनको अलग से मांग सकते हैं, जनरली इसके साथ अडेप्टर इसमें पैकेट में नहीं आता, आप अलग से ले सकते हैं, राइट। ये इसके साथ में आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर इसको जो कैमरे की क्लियरेंस है वो करने के लिए है, जिससे वो फोकस करता है बेसिकली, और ये पावर बटन दिया हुआ है। तो फिलहाल तो हम इसी से कैमरा कनेक्ट करते हैं, तो हमने नोटिस करो हमने कैमरा कुछ इस तरह से लगा दिया है और हमने ये केबल यहाँ से उठाकर, यहाँ पे दिखाइए हमारे कंप्यूटर के साथ में ये जो हब लगा हुआ है यहाँ पर मैंने केबल लगाई है 1.5 एम्पियर का यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पे दिखाइए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अलग एक यहाँ पर आपको ब्लू लाइट दिखाई देगी और हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। नोटिस करो, दिखाइए भैया, ये देखिए तो हमने केबल यहाँ लगा दी है और ये हमारा अभी हमने वाइड व्यू में इसको एंगल में हमने रखा हुआ है और इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको ये देखिए यहाँ देखिए ये घुमाऊंगा तो ये थोड़ा क्लीन होगा, ये देखो यहाँ पर दोनों साइड दिखाओ, ये देखो ये घुमा रहा हूँ तो ये थोड़ा क्लीन हो रहा है। ओके, ये केबल हट गया है, आप देखिएगा, ये देखिए तो जैसे ही मैंने ऑन किया ये देखिए, ठीक है। बट एक्चुअल में बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि वो शॉर्टिंग है, नहीं प्यारे यही तो बात है कि आपको आईफोन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एक्चुअली वो शॉर्टिंग नहीं है, वो डीसी टू डीसी छोटी सी ऐसी है, वो तो गर्म होती ही होती है, शॉर्टिंग वहाँ नहीं है। आओ थोड़ा सा अपन नया एडजस्टमेंट लेवल पर करते हैं और इसको थोड़ा सा अपन इस माइनर शॉर्टिंग देखने के चक्कर में थोड़ा सा अपन ऊपर की ओर करते हैं। ये देखिए शॉर्टिंग है इधर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नोटिस करना इस एरिया में, ये देखो ये दिखाई दे रहा है शॉर्टिंग है इधर। अब अगर मैं इसको जूम करूँ, ये देखो अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, उसमें एक्चुअल में ये लगा नहीं है ना, तो मैंने डायरेक्ट चला रहा हूँ और मुझे ये जूम हो गया, नोटिस करना, ये देखो, ठीक है, तो ये शॉर्टिंग है आपका बेसिकली यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल में शॉर्टिंग है किधर, लेट मी शो यू। तो देखिए मल्टीमीटर भी दिखाइए, नहीं मल्टीमीटर भी दिखाइए, देखिए वहाँ पर दिखाइए टीवी पे, देखिए यहाँ रखा, नोटिस करो, ये देखो यहाँ पर देखा, आप नोटिस करो तो ये शॉर्टिंग है जो कि इसने यहाँ पर पकड़ी है। चलो कोई नहीं, तो ये तो हो गया VCC VDD मेन शॉर्ट। अगर आपको नहीं पता है कि VDD VCC होता है तो अभी के अभी कोर्स क्या कर रहे हो यार, 6,000 रुपये में आज तुमने कपड़े खरीद लिए होंगे कम से कम 4-5 हज़ार के तो। पर तुम यही तो बात है ना, एक बहुत अच्छी कहावत है और बहुत बुकों में मैंने पढ़ा हुआ है कि गरीब आदमी अपने कमाए पैसों से चीज़ें खरीदता है, मिडिल क्लास आदमी अपने कमाए हुए पैसों को सेव करता है और रिच आदमी अपने कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट तो आपको भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है यार, क्या कर रहे हो आज अगर अपने पैसों को कमाए हुए पैसों को खर्च करते रहोगे तो फिर कैसे, सीखने में लगाइए, क्योंकि आपका बिजनेस ये है,
जितना सीखोगे उतना ही लगाओगे। तो चलो अब मेरे पास एक और फोन है, आपको लग रहा होगा कि यार सर ये तो फुल शॉटिंग है, ये तो वैसे ही निकल जाती 5 एम्पियर की डीसी से। चलो आओ, तो मेरे पास एक और है यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, नोटिस करो, ये देखाओ, ये देखो, इसको कहते हैं माइनर शॉटिंग, ये देखिए। तो यहाँ पर 0.045 आ रहा है इस सेट में। तो अभी कैसा होता ना, 98% लोग क्या करते हैं सेटों को स्वैपिंग करते हैं, ऑब्वियस है, मेरे को तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ना पूरा इसका जो स्ट्रिप है वो कटी हुई है। बट मैं आपको यहाँ पर शॉटिंग बताना चाहूँगा, नोटिस करो यहाँ पर दिखाइए। अब वही कैमरे पर जाएंगे हम, देखिए कैमरे का कितना अच्छा बढ़िया व्यू इसमें मिल रहा है आपको, ये देखो, नोटिस करो, ये देखो, देखा। मैं आपको इसको और कम करके दिखाता हूँ, ये देखो, मतलब माइनर से माइनर शॉटिंग भी आपकी निकाल देगा, ये देखो, क्योंकि आप इसको और कम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इधर, और ये बेसिकली किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। आइए मैं इसको इसमें दिखाता हूँ कैमरे में कि यहाँ पर शॉटिंग किधर है, वो टीवी में दिखाइए, देखिए। तो इस फोन में जो शॉटिंग है वो यहाँ वाईफाई के इधर इस साइड में आ रही है, कि अब तक का सबसे सस्ता थर्मल कैमरा है जिसको आप यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये मोबाइल में भी चल जाता है पैलर, और ये आपके कंप्यूटर में भी चल जाता है। और सबसे अच्छी बात है इसका लुक आपके टेबल पे कितना अच्छा लगेगा, कोई भी अगर तीसरा इसको देखेगा तो बोलेगा वाओ यार ये क्या नई चीज़ है। तो चलिए आपके साथ, आप क्यों ना आज सेलर से भी बात कर लिए जाए। सो देखो मेरे पास में रामराज टूल रिपेयर करके इनका मोबाइल नंबर है, ये नंबर आप देख सकते हैं इनका, इनको कॉल लगाता हूँ आपके सामने लाइव। हेलो, हाँ सर जी, हाँ रामराज सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैं एक्चुअली में एक वीडियो बना रहा था आपके थर्मल कैमरे पे, काफ़ी अच्छा थर्मल कैमरा है, और इस पर भी मैंने काफ़ी दो फ़ोनों की शॉटिंग निकाली है, जिसमें से एक फुल शॉटिंग थी जिसमें हमारी मेन VDD लाइन शॉट थी iPhone 7 में, और एक और हमने शॉटिंग निकाली है जिसमें हमारा बेसिकली एक माइनर शॉटिंग थी 0.04 की। तो काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे अच्छा ये बात लगी मुझे कि ये पैलर वे में दो डिस्प्ले बना लेता है, जो कि हाँ जिसमें एंड्रॉयड पर भी बना लेता है, मोबाइल के साथ साथ डीजे भी चलता है ये खास बात है, क्योंकि ये हॉटस्पॉट से मोबाइल के थ्रू भी चलता है। अच्छा रामराज जी, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि भोपाल में कोई आपसे मिलना चाहे या कहीं भी पूरे इंडिया में, तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? जी मेरा भोपाल में बहुत इजी एड्रेस है, हमारा जो नादरा बस स्टैंड है उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा 3rd फ्लोर पर शॉप, और रेलवे स्टेशन से भी 10 मिनट का रास्ता है। और इस प्रोडक्ट का स्टॉक कैसा, क्या स्टॉक है आपके पास अगर इंक्वायरी? स्टॉक अवेलेबल है, सनशाइन में अवेलेबल है, उसके साथ साथ एक और IIT कंपनी का आता है वो भी सेम होता है, सिर्फ कंपनी चेंज रहेगी, प्रोडक्ट सेम रहेगा, सॉफ्टवेयर भी दोनों के सेम ही रहेंगे, क्योंकि IIT मैन्युफैक्चर कंपनी है और दोनों के सेम ही प्रोडक्ट होते हैं। चलो ठीक है, और बस मैं यही कहना चाहूँगा, रामराज टूल जो है एक जाना माना नाम है मोबाइल रिपेयरिंग में, टूल की दुनिया में, सही कह रहा हूँ मैं? और ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए तो बिल्कुल हम जाने जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सबसे अच्छी बात तो टूल को देखो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जो ओरिजिनलिटी है प्लस जो सपोर्ट सिस्टम है वो इनका तगड़ा है। मतलब आप टूल वालों को देखें तो ज़्यादा कांटेक्ट हम करें तो ज़्यादातर कांटेक्ट नहीं हो पाता है, पर इनके पास अच्छी खासी टीम है और आप इनको चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे बात भी करवा दी है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके।